हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हमें करेले ज़रूर खाना चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बरमा करेले की शानदार रेसिपी। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 300 ग्राम करेले। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे और छिलकों को हमें फेंकना नहीं है। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसके छिलके उतारना स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सारे करेले के छिलके उतार लिए हैं और मैंने इनको इस तरह से बीच में से कट कर लिया है और इसके अंदर का सारा मटेरियल भी जो है मैंने निकाल लिया है और इनके छिलकों को भी मैंने इस तरह से अलग प्लेट में ले लिया है। अब इसके अंदर मैं अच्छी क्वांटिटी में नमक डालूँगी ताकि इसका जो भी कसेलापन, जो भी कड़वापन है वो निकल जाए। एक बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 3 ग्लास पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पानी मेरा बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून नमक। करेले की सब्जी में मैं नमक अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये करेले और इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि इसका जो कड़वापन है, करेलापन है वो अच्छे से निकल जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी में करेले क्यों डाल रही हूँ, इससे ये और ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे करेले बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। साबुत मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा। अब हम इन सबको रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे करेलों को निकाल लिया है, ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। हमारी स्क्रैपिंग को भी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं नमक में। अब हम इसे भी अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे। देखिए, मैंने करेलों को और इनके छिलकों को दोनों को साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे फैन के नीचे एक सूती कपड़े के ऊपर रख देंगे ताकि इसका जो भी एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। इसको अच्छे से सूती कपड़े से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये सारे साबुत मसाले डालेंगे और इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, बस इतना रोस्ट करना है कि हल्का सा ब्राउन हो जाए। हमें इन मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और इसे बार बार चलाते रहना है। देखिए, हमारे मसाले जो है अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर में दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें इसे दरदरा पीसना है। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। हमें यहाँ पर प्याज और टमाटर को बारीक काट लेना है और लहसुन को हमें इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट बना सकते हैं, पर हमें प्याज और टमाटर का पेस्ट नहीं बनाना है, इन्हें बारीक कट करना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये 1 चुटकी हींग, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ये प्याज। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ये रोस्टेड मसाला पाउडर है जो कि अभी हमने रोस्ट किए थे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच
अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, देखिए हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये करेले की स्क्रैपिंग। अब इसे भी हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये सारे सूखे मसाले और इसे लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी ये टमाटर, ऐसे लगभग 4-5 मिनट तक मसाले को पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है मसाले से सेपरेट हो चुका है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देख सकते हैं हमारी स्टफिंग जो है कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। देखिए हमारी स्टफिंग जो है अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे करेले के अंदर अच्छे से दबा के भर लेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग भरने के बाद आप इसे धागे से बांध भी सकती है और अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकती है, इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर सकती है। देखिए दोस्तों मैंने सारे करेलों की स्टफिंग कर ली है, अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर चिमटे की हेल्प से एक एक करेला कुछ इस तरह से ऑयल के अंदर डालेंगे। सारे करेलों को ऑयल के अंदर डाल दिया है, अब हम इसे चिमटे की हेल्प से ही अलट पलट करेंगे ताकि इसके अंदर से मसाला जो है वो कम से कम निकले। बर्मा सब्जियों की वैसे एक खासियत होती है, थोड़ा बहुत तो मसाला बाहर निकल ही जाता है, लेकिन हमें बहुत ही केयरफुली इन्हें अलट पलट करना होगा। अब हमारे करेलों को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम इसे ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं। देखिए दोस्तों हमें हमारे करेलों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इतना सा फ्राई करना है कि ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हम सारे करेलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। देखिए मैंने सारे करेलों को एक प्लेट में निकाल लिया है, अब आपके करेले सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।